नमस्कार दोस्तों, आज मेरी फ्रेंड उसने मेरे को फ़ोन किया और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे को डेट्स जो है वो केवल डे और मंथ के बेस पे सॉर्टिंग चाहिए। सी वॉन्ट्स टू ग्रीट एवरी एम्प्लॉई ऑफ देयर कंपनी ऑन देयर बर्थडे। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, हर एक डेट्स को एक नंबर ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई जून 90 के अंदर बोर्न है और एक दूसरा आदमी मार्च 91 में बोर्न है, तो पहले जो दिखाएगा जून 90 दिखाएगा, फिर उसके बाद मार्च 91 दिखाएगा, फिर उसके बाद अगर कोई अगस्त 92 है तो फिर अगस्त 92 दिखाएगा। बट उसकी रिक्वायरमेंट है कि ईयर को मैं इग्नोर कर दूं। तो आज मैं अपनी नई वीडियो में आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं, कैसे हम जो है ईयर को इग्नोर करेंगे, केवल डेट और मंथ के बेस पे सॉर्टिंग करेंगे, सो दैट ऑल द एम्प्लॉई जिस भी मंथ के अंदर बोर्न हुए हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाए। एचआर डिपार्टमेंट के पास पूरे एम्प्लॉयज का डाटा है, हमारे पास सैकड़ों एम्प्लॉयज हो सकते हैं। और कई बार एचआर डिपार्टमेंट को यह देखना होता है कि इस महीने में किस किस का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बेस पे वो चाहते हैं कि मेरी जो एम्प्लॉयज की जो सॉर्टिंग होनी चाहिए वो उनकी बर्थ डेट के बेस पे सॉर्टिंग हो, लेकिन ईयर को कंसिडर ना करें। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कुछ डमी डेटा है, यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल रखे हैं, कुछ ही मैंने एम्प्लॉयज ले रखे हैं, केवल 18 एम्प्लॉयज का डाटा है और ये उनकी बर्थ डेट्स है जो डमी मैंने डेट्स डाल रखी हैं। अब अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना है डेट्स के बेस पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, डेटा पे गया और एक आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले, स्मार्ट सॉर्टिंग, तो उसके थ्रू केवल सिंगल क्लिक से हमारा डेटा सॉर्ट हो सकता है। हम यहाँ पर गए और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो अब ये देखिए इसने सॉर्टिंग तो कर दी, लेकिन इसने जो सॉर्टिंग की है वो अगर आप देखेंगे तो 26 मार्च 1983, बिकॉज संजीव इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एंड श्रुति इज द यंगेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे तो इसने सॉर्टिंग तो ठीक की है, बिकॉज एक्सेल जो है कोई भी हमारी जो डेट होती है, बट जो इसके अंदर एक्सेल के अंदर डेट्स होती है वो उसको एज ए नंबर कंसिडर करता है। तो इसने उनको सॉर्ट कर दिया, पहले 1983 वाले को दिखाया, फिर 1989 को, जैसे मार्च आ गया, फिर फेब आ गया, फिर अप्रैल आ गया, फिर फेब आ गया, क्योंकि ईयर को इसने सॉर्ट कर दिया। लेकिन इसमें हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे को इग्नोर कर दे ईयर, ईयर की सॉर्टिंग करते वक्त ईयर को ये कंसिडर ना करें, केवल इसको कंसिडर करना है डेट को और मंथ को और उसके बेस पे हमारे को ये सॉर्टिंग करके दे दे। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार डेट जो है नंबर्स के बेस पे होगी और उसको ये सॉर्टिंग का कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए अब ये जो प्रॉब्लम है, आज मैं इसको आपको सिखाऊंगा कैसे इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, कैसे आपकी जो सॉर्टिंग है वो तो केवल और केवल डे और मंथ के बेस पे होगी, इग्नोर कर देगा ये ईयर को। तो अभी मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने हाइड कर रखा है, मैं यहाँ पे अनहाइड करता हूँ, ये देखिए मैंने एक हेल्पर कॉलम बना रखा है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब वही डाटा है मेरे पास। और अब अगर मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाहता हूँ इस हेल्पर कॉलम के बेस पे, तो आप देखिए ये मेरी जो सॉर्टिंग हो रही है, ये देखिए केवल और केवल फेब पहले आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून, अगस्त, सेप्टेम्बर और नवम्बर, ये सारी की सारी डेट्स जो है मेरी यहाँ पे सॉर्टिंग प्रॉपर हो रही है, वही डाटा है, केवल मेरा एक हेल्पर कॉलम लगाने से ये मेरी प्रॉब्लम दूर हो रही है। लेकिन ये हेल्पर कॉलम में कैसे मेरे पास यहाँ पे ये डेट्स आ रही है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट, मैं ये जो मेरा जो पहले से ही मेरी डेट्स है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे पास डेटा जो है यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, केवल और केवल डे और मंथ चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ दोस्तों, और उस फॉर्मूले का नाम है टेक्स्ट फॉर्मूला। ये टेक्स्ट फॉर्मूला काफी जगह काम आएगा, डेट्स के लिए भी आएगा, इसके अलावा भी काम आएगा, बट अभी तो हम केवल डेट के लिए काम करते हैं, डेट की बात करते हैं। तो मैंने जैसे टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट के अंदर ये पूछ रहा है किस चीज को हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू जो दे रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ B2 का, तो B2 का मैंने रेफरेंस दिया। अब ये पूछ रहा है कि फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट है इसको मैंने देना है इन्वर्टेड कॉमाज, मैंने यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्ट कर दिया कि मेरा जो फॉर्मेट रहेगा वो DD और साथ में मेरा रहेगा MM।
ये मेरा फॉर्मेट रहने वाला है कि मतलब ये है कि डेट जो है वो मेरी दो करेक्टर्स की रहेगी। अगर मेरी डेट 5 जनवरी है तो 05 दिखाएगा, और अगर मेरी डेट 22 जनवरी है तो 22 दिखाएगा। अब इसके अंदर मैं ईयर नहीं डाल रहा हूँ, अगर मैं ईयर डालूंगा तो ईयर भी ले लेगा, लेकिन मेरे को ईयर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिया। अब आपको ये आप ये देखेंगे, और इसके बाद मैंने कर दिया ये ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो डेट ये दिखाई है केवल और केवल 4 फरवरी इसने दिखा दिया, और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए सारी की सारी डेट्स मेरी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर के केवल और केवल डेट और मंथ में आ गई। अब दोस्तों जैसे ही आई, अब मेरा काम बड़ा ईजी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस हेल्पर कॉलम के ऊपर डेट को सॉर्ट करना है। तो ये वाली जो डेट्स है ऑटोमेटिकली आपकी सॉर्ट हो जाएगी। अब मैं कहीं पे भी कर्सर रख सकता हूँ, आप मेरी वीडियो देखिए जो स्मार्ट सॉर्टिंग है उसमें आपको पता लगेगा कैसे मैं सिंगल क्लिक से ही सॉर्ट हो जाता है, मेरे को इसमें फर्दर जाना नहीं होता सॉर्ट में। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी कर्सर रखा और इसमें A to Z वाले में मैंने बटन को दबाया असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए पूरी की पूरी सॉर्टिंग मेरी हो गई। और यहाँ पे देखिए 4 फरवरी, 23 फरवरी, 20 मार्च, अगर मेरे को डिसेंडिंग में करना है तो मैंने डिसेंडिंग में कर दिया। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा मेरा नवंबर पहले आ गया और सबसे लास्ट में फेब आ गया। तो ये जो है ये मेरा एज ए टेक्स्ट आ गया है यहाँ पे, और केवल इसमें डेट और मंथ है। इन फ्यूचर अगर इन केस अगर आपको कभी ऐसा भी चाहिए कि मेरे को इसमें ईयर भी चाहिए तो यहाँ पे आप डैश डाल करके ईयर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको पूरा महीना पूरा डालना हो तो एम की जगह आप यहाँ पे 4M अगर आप डाल देंगे यहाँ पे तो आपकी ये पूरी की पूरी डेट पूरे उसमें आ जाएगी। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आपका देखिए मंथ जो है पूरा नाम इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका है, 3 नाम डालना चाहते हो या 2 डालना चाहते हो, और केवल अगर आप इसमें 2 ही डालोगे नाम, सपोज करो आप इसके अंदर केवल और केवल 2 नाम डालते हो, 2M डालते हो जैसे, तो यहाँ पे अगर आपने 2 किया तो यहाँ पे केवल और केवल 7/11 इसने मंथ का जो है ये ऐसे नाम दे देगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे। मेरी पर्सनल मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको हमेशा MMM देना चाहिए हमारे को, सो दैट कभी कन्फ्यूजन ही नहीं रहे कि हमारी डेट पहले है कि मंथ पहले है। तो हमेशा आपका कोई भी डेटा दिखेगा, कहीं पे भी आप भेजेंगे वो इजीली इसको समझ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसमें अगर आप चेंज भी करेंगे डेट, यहाँ पे अगर मेरे जैसे ललित का मैंने यहाँ पे है और इसका मैंने कुछ डेटा डाल दिया यहाँ पे 15 अगस्त, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 47। तो यहाँ पे अगर मैंने ये डाल दिया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने 15 अगस्त 1947 किया। अब अगर मैं इस डेटा को अगर सॉर्ट करूंगा बर्थ डेट को, तो यहाँ पे देखिए इसने सॉर्टिंग की 15 अगस्त को इसने ऊपर ले लिया ललित को, और उसके बाद श्रुति नीचे है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है इसमें, लेकिन सारी मेरी डेट्स आगे पीछे हो गई, अगस्त पहले आ गया, अप्रैल फिर आ गया, फिर मार्च आ गया। लेकिन अगर मैं इस कॉलम के बेस पे अगर इसको सॉर्ट करूंगा तो आप देखिए दोस्तों इसके अंदर केवल 4 फरवरी, 23 फरवरी, बिल्कुल आपको विदाउट कंसिडरिंग ईयर ऑफ द बर्थ, ये केवल डेट और मंथ को कंसिडर करके हमारी डेट को बिल्कुल प्रॉपर सॉर्ट कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मेरी वीडियोज को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।